Hey, I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL Institute, डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बच्चे, सबसे पहले चीज़ ये है कि मैं आपको अंग्रेजी में चाहता हूँ कि अंग्रेजी आप बोलो, मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी आप लिखो। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं? अगर आप अंग्रेजी वाकई बोलना चाहते हो, अगर दिल से इच्छा है कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में लिख पाएँ, अंग्रेजी में बोल पाएँ, तो आज मेरे साथ एक एक सेंटेंस को बनाइए और मैं जो कहता हूँ आप करते जाइए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाइए और फिर देखते हैं आपको अंतिम में कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं और मैक्सिमम चीज़ सीख सकते हैं। तो मेरे साथ मिल करके आइए चलते हैं एक एक सेंटेंस की तरफ और बोलने का प्रयास करिए और लिखने का प्रयास कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड तक का टाइम दूंगा, आपको सोचना है, बनाना है, क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ाया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप भी मेरे साथ चल पड़ें और देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस करके मिल के साथ। पहला सेंटेंस लेते हैं, सुरेश को यहाँ आने की ज़रूरत है। सुरेश को यहाँ आने की ज़रूरत है। अब सुरेश को यहाँ आने की ज़रूरत है, अब आप इस सेंटेंस को बनाइए। सुरेश नीड्स टू कम हेयर। सुरेश नीड्स टू कम हेयर। अगर इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करें तो सब्जेक्ट प्लस नीड, नीड्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। सुरेश नीड्स टू कम हेयर। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस आप चाहें तो बोल सकते हैं। कैसे? सीमा को संस्कृत सीखने की ज़रूरत है। सीमा नीड्स टू लर्न संस्कृत। आप लोगों को यहाँ रहने की ज़रूरत है। यू नीड टू लिव हेयर। सुरेश को विदेश जाने की ज़रूरत है। सुरेश नीड्स टू गो अब्रोड। अब लेते हैं हम लोग दूसरा सेंटेंस। ये पहला था, अब लेते हैं दूसरा सेंटेंस कि आप किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। दूसरा है, सुरेश को लंदन जाने की ज़रूरत होगी। सुरेश को लंदन जाने की ज़रूरत होगी। सुरेश को लंदन जाने की ज़रूरत होगी। अब बनाएं इसको आप। सुरेश विल नीड टू गो टू लंदन। सुरेश विल नीड टू गो टू लंदन। अब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप बोल सकते हैं कि मनोज को टेलीविज़न देखने की ज़रूरत होगी। मनोज विल नीड टू वॉच टेलीविज़न। राधा को क्लास में प्रश्न पूछने की ज़रूरत होगी। राधा विल नीड टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। अमिताभ को इलाहाबाद में रहने की ज़रूरत होगी। अमिताभ विल नीड टू लिव एट इलाहाबाद या इन द इलाहाबाद। आप इस तरह सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं विदेश जाना चाहूँगा। तो चाहूँगा के लिए आप क्या पढ़े थे? हमने इस पर कई वीडियो बनाया है। मैं विदेश जाना चाहूँगा, इसको बनाएं आप। आई वुड लाइक टू गो अब्रोड। आई वुड लाइक टू गो अब्रोड। स्ट्रक्चर इसका फ्रेम हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैं विदेश जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो टू अब्रोड। वह एक ट्रक खरीदना चाहेगा। ही वुड लाइक टू बाय अ ट्रक। विवेक बहुत पैसे कमाना चाहेगा। विवेक वुड लाइक टू अर्न मच मनी। मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, रानी एक कार खरीद पाएगी, रानी एक कार खरीद पाएगी। इसको बनाएं आप लोग। रानी विल बी एबल टू बाय अ कार, रानी विल बी एबल टू बाय अ कार। स्ट्रक्चर फ्रेम क्या हो सकता है? मेन आपको जो फोकस करना है वह स्ट्रक्चर फोकस करना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, यानी विल बी शैल बी प्लस एबल टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस एबल टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। इस सेंटेंस में और भी एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। हम लोगों को पढ़ा पाएंगे, यू विल बी एबल टू टीच अस, यू विल बी एबल टू टीच अस। मनीषा सुबह में व्यायाम कर पाएगी, मनीषा विल बी एबल टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मनीषा विल बी एबल टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तुम इस नदी को पार कर पाओगे, यू विल बी एबल टू अक्रॉस द रिवर। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर के आधार पर हो सकता है कि मैं विदेश जा पाऊँ। जरा सोचिए आप लोग क्या बना सकते हैं। बेसिकली मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी आपके लिए बिल्कुल लिखना आसान हो, अंग्रेजी आपके लिए बोलना आसान हो, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ और स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, जिससे आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हजारों सेंटेंस आप चाहें तो बोल सकते हैं। हो सकता है कि मैं विदेश जा पाऊँ, I may be able to go to abroad, I may be able to go to abroad। अब यहाँ हो सकता है कि मैं विदेश जा पाऊँ, तो I may be able to go to abroad। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे बी, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस एबल टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस एबल टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, इस माध्यम से आप बना सकते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। हो सकता है मीनाक्षी बदला ले पाए, हो सकता है मीनाक्षी बदला ले पाए, मीनाक्षी मे बी एबल टू टेक रिवेंज। हो सकता है सुरेश उत्तर प्रदेश जा पाए, सुरेश मे बी एबल टू गो टू उत्तर प्रदेश, सुरेश मे बी एबल टू गो टू उत्तर प्रदेश। इस तरह से आप सेंटेंस काफ़ी हद तक फ्रेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं और आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। मुझे रहने को घर नहीं है, मुझे रहने को घर नहीं है। इसका अंग्रेजी बनेगा आई हैव नो हाउस टू लिव इन, I have no house to live in। स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो प्लस नाउन प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाते हैं, प्लस नो लगाते हैं, प्लस नाउन प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल और देख लो इसका, तुझे लिखने के लिए कलमे नहीं है, यू हैव नो पेन्स टू राइट विथ, यू हैव नो पेन्स टू राइट विथ। आपको प्यार करने के लिए वक्त नहीं है, यू हैव नो टाइम टू लव, यू हैव नो टाइम टू लव। इस तरह से आप चाहें तो हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं चाहता ये हूँ कि आप सेंटेंस बनाएं और बोलें और ऐसे ही स्ट्रक्चर मैं आपको देता रहूँ, करता रहूँ। और इसके साथ साथ अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली आकर के भी आप क्लास ले सकते हैं, बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। और घर बैठे भी आप चाहें तो DSL का ऐप डाउनलोड करके या DSL जो फ़ोन नंबर दिया जा रहा है इस पर कॉल करके या ऑनलाइन क्लास वेबसाइट पर जा करके आप क्लास ले सकते हैं। आप निसंकोच होकर के एडमिशन लें, क्लास लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आ भी सकते हो या घर बैठ के पढ़ सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अंग्रेजी सीखना अब आपके लिए हर्डल नहीं है। मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूँ। इस वीडियो को देखें और हमेशा की तरह हर बच्चों को शेयर करें और सीखने और सिखाने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।